वेलकम टू योर रीडिंग तो जयमनाए मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके दिसंबर मंथ मन्त की मंथली टेरो रीडिंग लेकर जिसे आप अपने सन साइन या मून साइन के बेस पर देख सकते हैं ओके अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं जयमनाए डब्ल्यू वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का भी और मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ओके okay? आप मेरी यूट्यूब की मेम्बरशिप भी ले सकते हैं ज्वाइन बटन है आप मेरे चैनल पर तो अगर आप मेम्बरशिप लेते हैं तो आपको हर महीने दो एजुकेशनल वीडियोज़ मिलेंगी जो आपकी स्परिचुअल जर्नी में या आपके इनर वर्क में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं Already nine videos uploaded है ऑलरेडी नाइन वीडियोस अपलोडेड हैं टेंथ वीडियो भी कुछ दिनों में आने वाली है जिसका टॉपिक होने वाला है गिल्ट ट्रैप कि गिल्ट ट्रैप क्या है और इससे हमें कैसे बाहर निकलना है इसके डिस्कशन होगी और जो लास्ट वीडियो थी वो फियर के बारे में थी कि हम अपने जब माता पिता को खोने के डर में होते हैं तो इस डर का हमारे ऊपर प्रभाव क्या होता है इसकी रूट कॉज क्या है और इसका सल्यूशन क्या है ये सब बातों को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है तो यस अगर आप ऐसे टॉपिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है ज्वाइन बटन आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसे क्लिक कीजिएगा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा और फिर जो है आगे अपनी जो है मेंबरशिप लीजिएगा ओके ऑल राइट right, मैं आपकी रीडिंग को करने को बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप के लिए लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी हम ऐड करते हैं थैंक यू राइट चाहिए right. um, आपके लिए जो तीन कार्ड्स आए हैं जो आपकी फाउंडेशनल एनर्जी बनेंगे दिसंबर मंथ के लिए वो है यहाँ पर स्टैंड अपर सेल्फ स्पॉटेड स्कंक ओपन टू लव रिलेशनशिप्स पैशन एंड फुलफिलमेंट और तीसरा कार्ड है नंबर वन का कार्ड और इसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ है अवेकन ओके okay? um, जयम आए मुझे जो सबसे बड़ी हाईलाइट लगती है आपके दिसंबर मंथ की वो ये लगती है कि दिसंबर मंथ में आप एक बहुत अच्छा प्रभाव बन रहे हो इन्फ्लुएंस बन रहे हो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए ओके आप जेन्यूनली जो आपका ये जो करंट वर्जन है आप कह रहे हो कि यस ये बहुत ब्यूटीफुल वर्जन है लेकिन मुझे अब अपने आप को और निखारना है और सवारना है मुझे और अवेकनिंग करनी है अपनी मुझे और अपने माइंड में प्रकाश को लेकर आना है रोशनी को लेकर आना है तो नंबर वन है यहाँ पर न्यू बिगनिंग तो दिसंबर मंथ में आप दरअसल किसी न्यू बिगनिंग का वेट नहीं कर रहे हो बल्कि आप कह रहे हो कि मैं अपने लिए वो कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं जिन्हें क्रिएट कर सकता हूँ या क्रिएट कर सकती हूँ ये न्यू बिगिनिंग्स के ये जो न्यू बिगिनिंग्स हैं ये कहाँ पर आपको नो छुएंगी या आपको हील करेंगी वो है आपका माइंड आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ों को आप अनलर्न करोगे बहुत सारी चीज़ें जो आपने ऑलरेडी सीखी हुई हैं लेकिन ये चीज़ें जो सीखी हुई थी आपने इसमें बहुत सारी डैमेजिंग एनर्जी बैठी हुई थी और आप इसे अब रिकगनाइज कर पा रहे हो एंड दैट इज़ वाई यू आर सेंग कि अब मुझे इन्हें अनलर्न करना है कभी कभी स्पिरिचुअल वर्क या इनर इंजीनियरिंग या इनर वर्क नई चीज़ों को सीखने के बारे में नहीं होता बल्कि वो कभी कभी जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं उन्हें यू नो अनलर्न करके एक स्पेस क्रिएट करने के बारे में होता है तो ये आपका मेन कार्ड है यहाँ पर अपनी अवेकनिंग को अपना मेन मुद्दा बनाना अपने थॉट्स में देखना कि कौन से डार्क थॉट्स हैं जिनको मैं हील कर सकता हूँ जिनकी जगह में नए ब्यूटिफुल पॉजिटिव थाट्स को लेकर आ सकता हूँ आम भाषा में कहें तो प्रकाश क्या है आपके जीवन में आपके दिमाग में यू you नो know, उस पर अपना पूरा ध्यान लेकर जाना और उसके लिहाज से ही एक्शंस लेना यही एक्शंस आपकी न्यू बिगनिंग है ऐसा करते हुए इस प्रोसेस को करते हुए ही आप बेसिकली यहां पर पहुंचेंगे ओके okay? तभी मैंने कहा ये आपकी इनिशिएशन है है ये ये आपका पहला कार्ड ओके दिसंबर मंथ का पहले ये होगा और इसी प्रोसेस में आपका एक मोड यहां पर आएगा जहां पर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे सो दिसंबर मंथ में अगर आपके साथ कोई बुलिंग हो रही है कोई इनजस्टिस हो रहा है या फिर अमूमन किसी शख्स से ऐसी ऊर्जा बनी रहती है आपको ऐसी वायब आती रहती है फीलिंग्स आती रहती हैं कि यू नो वॉट मुझे एक बार तो इस शख्स को ना जवाब देने की जरूरत है क्योंकि बहुत हो गया इसको भी पता चले कि मैं बेचारा नहीं हूं मैं बेचारी नहीं हूं तो ये जो एनर्जी है ये आपके लिए इस स्पेस को भी क्रिएट करेगी क्योंकि इसी पाथ पर चलकर ये मोड़ आएगा जहां पर आप कहोगे इनफ इज इनफ और अब मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है ओके okay? और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए जेन्यूनली एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस साबित होंगे आपकी आवाज दूसरों को ये एहसास दिलाएगी कि उनके गले में भी एक आवाज है वो भी बोल सकते हैं वो भी आपसे प्रेरणा लेकर अगर उनके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं ओके okay? आप लीडर की तरह उभर कर आ रहे हो दिसंबर मंथ में जब आप बेसिकली इस ऊर्जा में होंगे स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को भी रिक रिकगनाइज करना होगा आपकी आपकी काबिलियत क्या है आपकी स्ट्रेंथ क्या है इन लोगों के साथ बात करते वक्त आपको दरअसल अपनी स्ट्रेंथ को ही याद रखना है इसी से ही आप वो खुलकर कुछ बोल पाएंगे खुलकर कुछ कह पाएंगे खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे खुद के ड्रीम्स को मरने से बचा पाएंगे ओके okay? आपकी जो स्ट्रेंथ है अपना पूरा ध्यान उसके ऊपर लेकर जाइए वो भी आपकी इस क्लैर इस क्लैरिटी में इस क्लेंजिंग में आपकी मदद करेंगी ओके okay? तो यस आपको अपनी स्ट्रेंथ को नहीं भूलना है दिसंबर मंथ में ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है और ये दरअसल आपकी ब्लेसिंग्स का कार्ड है ये दोनों कार्ड्स आपके इनर वर्क में आते हैं ये है वो ऊर्जा जो आपको अपने आप से यूनिवर्स दे रहे हैं इस जस्ट कि आपको उसे रिसीव करना है और ये कौन सी ऊर्जा है यह है लव की सबसे खूबसूरत एहसास इस पूरे ब्रह्मांड में सब चीज़ें लव से ही उत्पन्न होती हैं पैदा होती हैं ओके तो आपकी तरफ प्यार आ रहा है दुलार आ रहा है मैंने इस प्यार को थोड़ा सा यू you नो know, समझने की भी कोशिश की किसी स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ तो उन्होंने मुझे शब्द दिया था कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो प्यार है वो कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में आ रहा है कि तुम अच्छे दिखते हो तुम अच्छे लगते हो तुम तुम अक्लमंद हो तुम सुंदर हो तुम तुम तुम्हारे पास ज्ञान है तुम नेक हो तुम ईमानदार हो कोई ना कोई शख्स या कुछ एक से ज्यादा शख्स भी हो सकता है जो आपको ये सब बातें कहने की कोशिश करे और उसके ये जो इंटेंशंस होंगे बहुत प्योर होंगे बस आपको कहा जा रहा है इन कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि इन कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करके आप यूनिवर्स को एक संकेत भेज रहे हो कि यस मैं यहां पर प्यार को लेकर लव को लेकर अब ओपन हूं आप मेरे जीवन में प्रेम भेजिए प्यार भेजिए और प्यार को कंडीशंस में नहीं रखना लव शब्द को देखते ही हमें हमें लगता है कि बस लव रिलेशनशिप यू नो लव एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है बहुत खूबसूरत और रिश्ते हैं बहुत खूबसूरत और चीज़ें जिससे प्यार को प्यार की एनर्जी को चैनल किया जा सकता है ओके okay? तो यहाँ पर कंडीशंस नहीं रखनी इस लव की ऊर्जा को आप यूनिवर्स को कहो कि मुझे जहाँ से भी प्यार मिल सकता है आप उन लोगों को मेरे जीवन में भेजो मैं उनको वेलकम करने के लिए रेडी हूँ ओके रिलेशनशिप्स पैशन एंड फुलफिलमेंट ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि दिसंबर मंथ में आपको बहुत सारी रिलेशनशिप हारमोनी भी रिसीव होगी विच मीन्स कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ आपकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो आपको भी पता है कि आपके लिए अच्छा है और शख्स को पता है कि आप उसके लिए अच्छे हो इसके इस यहाँ पर अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे हो तो उसकी हीलिंग जो है दिसंबर मंथ में आप रिसीव करोगे ओके okay? पैशन वापस लौटेगा आपके जीवन में और फुलफिलमेंट आप जैसे भरा भरा महसूस करोगे एक जो लॉस्ट वो एम्प्टी फीलिंग होती है ना हमारे स्टमक में कि कुछ हो नहीं रहा डिप्रेशन सी महसूस हो वो नहीं महसूस होगी आप संतुष्ट महसूस करेंगे ये नाइन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है तो यहाँ पर सिंपली ये मैसेज नहीं है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली क्योंकि नाइन ऑफ कप्स को भी हम ऐसे ही देखते हैं कि कोई विश पूरी हो जाएगी नाइन ऑफ कप्स क्या है कि कोई मेरी विश पूरी ना हो चाहे मेरी कोई विश पूरी हो या कोई विश पूरी ना हो इट डज इन मैटर मैं खुश हूँ मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं एटलीस्ट जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है मेरे पास मैं उनको काउंट करने की अकल रखता हूँ कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है इट डज इन मैटर आई एम हैप्पी आई एम फीलिंग गुड यू नो ये वो एहसास है ये बहुत ऑर्गेनिक है ये किसी भी बाहरी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता ये आपके आत्मिक सुख की तरफ इशारा देता है कि आप अंदर से खुश रहेंगे अंदर से भरे भरे रहेंगे आपको कोई यू you नो know, चिड़ नहीं होगी आप कोई ऐसे भगवान को भी कोशन नहीं करोगे कि हाँ आप मुझे ये क्यों नहीं दे रहे मुझे वो क्यों नहीं दे रहे आप बस संतुष्ट आप कह रहे हो कि मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ मैं ऑलरेडी बहुत सुखी हूँ ओके okay? ये ब्यूटीफुल एनर्जी है और बहुत एम्पावरिंग एनर्जी है एंड आई थिंक यस आप जेन्यूनली दिसंबर मंथ में एक ऐसे शख्स बनकर उभर रहे हो जय मनाए जिसको देखकर कोई भी माता पिता कहेगा कि हाँ यू you नो know, ये मेरे बच्चे के लिए गुड इन्फ्लुएंस है यू you नो know, मेरा मेरी मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी आपके जैसे बने मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा आपके जैसे बने आप बहुत जेन्यून एक हाई वाइब में हो और आपका और बहुत प्योर है ओके okay. राइट right. हम यहां पर इन कार्ड्स को उठा लेते हैं और आपके लिए जो कार्ड्स हैं उनसे रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि और क्या हो रहा है मेरे जयमनाइज साइन के लोगों के साथ पहला कार्ड टेन ऑफ पेंटिकल्स ब्यूटीफुल, दूसरा कार्ड है फाइव ऑफ तीसरा कार्ड है फोर ऑफ कप्स चौथा कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पांचवा कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स वाओ एस ऑफ द स्टार कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स गॉड ये पहली रीडिंग है जिसमें तीन एसेज आई हैं एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पर टेन ऑफ सोट्स एस ऑफ सोट्स टेन ऑफ सोट्स बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ सोट्स की एनर्जी आई थिंक आप कहीं ना कहीं इस बिलीव सिस्टम को हील कर पाए हैं जहाँ पर आप हमेशा बाहर आंसर्स ढूँढ रहे थे बाहर आपको लग रहा था कि ये मेरी मदद कर देगा ये मुझे रेस्क्यू कर देगा ये आके मेरा मेरा चीज़ों को ठीक कर देगा मतलब आप हमेशा बाहर से हेल्प ढूंढ रहे थे बाहर से आंसर्स ढूँढ रहे थे और ये भटकन होती है आई एम नॉट सिंग कि बाहर की रियलिटी में हमारे लिए हेल्प नहीं है बहुत सारे हीलर्स हैं बहुत सारे जेन्यून लोग हैं जो मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और उनको मेरा शत शत नमन भी है लेकिन दरअसल एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में कैसा मोड आता है हमारे लिए जिसमें दरअसल बाहर से हमारे लिए कोई आंसर नहीं होता हमें यही इसी बिलीफ सिस्टम में उतरना होता है कि यस अगर मुझे मेरे हालातों को बदलना है तो मुझे बाहर से ढूंढना बंद करना होगा और अपने भीतर झांकना होगा अपने भीतर ढूंढना होगा किसी वॉरियर को किसी हीलर को किसी ऐसे पर्सन को जो रेस्क्यू कर सके और वो मैं खुद ही कर सकता हूँ हम जो बाहर ढूंढ रहे होते हैं कभी कभी वो हमें पहले खुद में ढूंढनी होती है ऊर्जा फिर हमें वो बाहर से भी मिलती है और एट ऑफ सो मुझे यही कहानी बताता है आठ से दस की एनर्जी आप डेफिनेटली इस बिलीफ सिस्टम से क्योंकि एट ऑफ का यही बिलीव सिस्टम है कि कोई आएगा रेस्क्यू करेगा कोई नहीं आने वाला कोई नहीं आने वाला एंड दैट इज वाई आई थिंक ये ऊर्जा यहां पर जाकर ट्रैवल की है आपकी टेन ऑफ सोट्स में दी एंड ओके okay? कि कोई नहीं आएगा मुझे खुद के लिए ही कुछ करना है इंसान अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है इंसान अपनी अपने भाग्य में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे चैप्टर्स खुद लिखता है आप इस चीज़ को एक्चुअल में रेकगनाइज़ कर रहे हो और सिर्फ रेकगनाइज नहीं कर रहे हो दिसंबर मंथ में बल्कि आप यहाँ पर सोल्यूशनस को भी ढूंढ रहे हो कि ओके अगर ये सच है कि अगर मैं अपने भाग्य का ख़ुद लिख सकता हूँ तो मेरे टूल्स क्या हैं मेरी विधियाँ क्या हैं वो कौन से मेकनिज़म्स हैं जिनको मैं फॉलो करके बेसिकली अपनी स्टोरी लिख सकता हूँ तो आप टूल्स को सल्यूशन्स को डिस्कवर करोगे और वहाँ से आपकी नई जर्नी शुरुआत होगी तभी मैं यहाँ पर तीन एसेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ स्टार कार्ड की भी एनर्जी आई है ऐसा लगता है कि 2024 आपको काफ़ी यू नो कह लीजिए कि सपोर्टिव एनर्जीज़ के रूबरू करवाएगा ये सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं यूनिवर्स के बारे में यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये रिवील करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो आपकी कितनी केयर करते हैं और इस वजह से वो कुछ कर कर के यू नो आपकी तरफ कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर भेजते हैं जो आपकी आपकी लाइफ को बदलें आपकी लाइफ को सुंदर बनाए ओके okay? तो आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा दिसंबर मंथ में और यही ट्रांसफॉर्मेशन पूरे साल जो अगला साल है 2024 इसमें आपको गाइड करेगी एक ऐसा बिलीव सिस्टम है इन तीन ऐसे से कि मैं अकेली नहीं हूँ मैं अकेला नहीं हूँ मैं बेचारी नहीं हूँ मैं बेचारा नहीं हूँ क्योंकि जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है परमात्मा की ताकत वो मेरे साथ है मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर मंथ में आपकी मेन हाईलाइट ही यही है जमनाए कि आप यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स को रिसीव करोगे यूनिवर्स की तरफ से मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल से आप किसी काम को करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन उसमें पैसा चाहिए लेकिन पैसा मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आपने बस कहा कि कोई नहीं कोई बात नहीं अगर यही तो फिर यही सही जितना आप सरेंडर मोड में इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो उतना ही यूनिवर्स कह रहे हैं कि ओके okay, मेरे बच्चे को पैसे की जरूरत है इस काम को उसे करना है और वो सरेंडर मोड में भी है ओके बम कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा और आप उस काम को कर पाओगे आप किसी चीज को लेकर किसी टॉपिक को लेकर रिलेशनशिप को लेकर किसी बात को लेकर आप कंफ्यूज हो और आप कह रहे हो कि मेरे को आंसर्स नहीं मिल रहे मेरे को आंसर्स नहीं मिल रहे बुम आपने मेडिटेशन की थोड़ा सा माइंड को शांत किया बूम डाउनलोड्स पे डाउनलोड्स डाउनलोड्स पे डाउनलोड एंजल नंबर दिखा कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होगा या 16th ऑफ दिसंबर सिग्निफिकेंट हो सकती है आपके लिए ओके चीज की डाउनलोड्स पे डाउनलोड्स क्लैरिटी पे क्लैरिटी यूनिवर्स जैसे आपको इतना ब्लेस करेंगे इतना ब्लेस करेंगे दिसंबर मंथ में कि आप खुद भी धन्य हो जाओगे इस ऑफ़ से इस ऑफ वॉन से ये दिखता है कि आपके नियर फ्यूचर में दरअसल बहुत सारा पैशन है बहुत सारी आग है बहुत सारी फास्ट मूविंग एनर्जी है अगर आप दिसंबर मंथ में कोई आ, कह लीजिए कि सोच रहे हो कि मैं ये मुझे ये भी काम करना है मुझे ये भी काम करना है मतलब बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है अगर आपकी तो मैं आपको एस ऑफ वॉन्स से ये कह रही हूँ कि आप उन सभी कामों को कर पाओगे और बहुत सक्सेसफुली कर पाओगे जो काम आप अमूमन आप चार पाँच दिनों में करते हो उसको आप एक ही दिन में हो सकता है फिनिश भी कर लें ओके okay? क्योंकि ये जो पावर है एस ऑफ वॉन्स की ये आपको दी जाएगी आप भाग भाग के काम करोगे आप बर्न करोगे कैलोरीज को बहुत तो आई थिंक आपका आपकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी आपकी बॉडी यहाँ पर कुछ वेट शेड कर सकती है आपकी बॉडी मुझे यहाँ पर यूनिक यह थोड़ा सा ऐसे इतराती हुई ऐसे सुंदरता को इम्रेस करती हुई नज़र आ रही है ओके okay? तो तीन ऐसे से मैं बहुत खुश हूँ आई थिंक आपका कॉन्शियस माइंड भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहा है नया नया करियर में क्या किया जा सकता है करियर में कौन सी नई शुरुआत की जा सकती है किस करियर पाथ के साथ कनेक्ट हुआ जा सकता है या फिर आप ये भी बातें बहुत सोच सकते हो कि मेरा बेस्ट करियर पाथ क्या है मेरी स्ट्रेंथ क्या है मेरी वीकनेस क्या है इन सब चीज़ों को आप बहुत मतलब सोच रहे हो अपने कॉन्शियस माइंड में और जितना आप सोच रहे हो उतनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच होगी यूनिवर्स के साथ वैसी ही चीज़ें आपके सामने आएंगी यूट्यूब वीडियोस आपके सामने वैसी आएंगी है ना Amazon पर कुछ ढूंढ रहे हो कोई किताब ऐसी आ गई जो आपके दिमाग में चल रहा है सेम टॉपिक उस किताब का है ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो आप ओके okay? और मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ एस ऑफ सोच्स है एस ऑफ वॉन्स है एस ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ एस ऑफ कप्स है तो चारों एसेस हैं आपके लिए आपके सबकॉन्शियस में थोड़ी सी मुझे एक यू you नो know, करूं कि ना करूं करूं कि ना करूं ये जो बिलीव सिस्टम होता है हमारा जो हमको दे दिया जाता है कभी 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 हमारे बचपन का ट्रॉमा होता है कभी प्रोग्रामिंग होती है फैमिली की सोसाइटी की कि करने से पहले ज़्यादा सोचना यू नो प्योरिटी को डिटेक्ट नहीं कर पाना ये सब इस प्योरिटी है प्योरिटी को डिटेक्ट नहीं कर पाना और फिर उस उस, उस अस असमंजस में चले जाना कि करूं कि ना करूं करूं कि ना करूं करूं कि ना करूं ये जो बिलीव सिस्टम है आई थिंक ये हीलिंग मांग रहा है आपसे तो आपको एक चीज़ ये भी करनी है कि जब भी आप करूँ या ना करूँ कि ऊर्जा में होते हो तो उस समय डिटेक्ट करना है प्योरिटी को अगर सिचुएशन में पर्सन में अपॉर्चुनिटी में किसी एक्सपीरियंस में प्योरिटी का एसेंस आप डिटेक्ट कर पा रहे हो भगवान की ऊर्जा डिटेक्ट कर पा रहे हो तो आप 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 उस चीज़ को कर सकते हो आपको करो या ना करो में जाने की ज़रूरत नहीं है तो जितना प्योरिटी को डिटेक्ट करोगे उतना ये जो सबकॉन्शियस का बिलीव सिस्टम है करो या ना करो करने से पहले सोचना सौ बार सोचना इस बिलीव सिस्टम को आप हील कर सकते हो ओके तो व्हील ऑफ़ फॉर्चून आपके पास की पोजीशन में है तो ऐसा लगता है कि पास में आपकी कोई न्यू बिगनिंग हुई कोई स्टडी की न्यू बिगनिंग है ना आपने कोई कोर्स लिया आपने कोई वर्कशॉप की या फिर कह लीजिए कि व्हील ऑफ़ फॉर्चून से कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हुआ ये जो नया चैप्टर है ये बेसिकली नई बिगनिंग लेकर आएगा तो यहाँ पर जो आपने सीखा है आप उसे अपने करियर में भी बदलने के लिए uh, हो सकता है कि सोचें विचार करें और यूनिवर्स आपको सिग्नल भेजे कि ओके वोम यू आर रेडी स्टू एट ओके तो फिर से यहां पर बहुत सपोर्टिव एनर्जी है आपके पास की भी अगर आपके यहां पर टेन ऑफ पेंटिकल्स की मैं यहां पर बात करूं आई थिंक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली फैमिली में बरकत फैमिली में शांति फैमिली में सुकून ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं दिसंबर मंथ में और इसलिए इनको अपना वक्त देना इनको अपनी अटेंशन देना इनके ऊपर ध्यान देना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आपके लिए मैसेज ही यही है कि जितना ध्यान आप अपने ऊपर अपनी फैमिली के ऊपर अपने फाइनेंसेस के ऊपर रखोगे माँ लक्ष्मी के साथ जितना अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने पर टाइम खर्च करोगे उतना ही ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये आपको तंग नहीं करेंगे क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि दिसंबर मंथ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आए कोई डिस्ट्रैक्शन आए यहां पर कोई भटकन कोई जेलसी कोई ट्रैप कोई ऐसी ऊर्जा जो बेफिजूल की है लेकिन फिर भी हमारा हमसे टाइम मांग रही है वक्त मांग रही है यू you नो know, आप इसे इग्नोर कर सकते हो अगर आप सिंपली अपने टेन की एनर्जी में रहें ओके okay. ये ऊर्जा होकर भी आपका फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी कंपटीशन के भाव से बचना है आपको और मुझे ऐसा लगता है कि ये मंथ एक्चुअल में बहुत अच्छा मंथ है अपने आप को इस रूप में भी देखने का कि आप भीड़ से अलग क्यों हो आप लोगों से जुदा क्यों हो आपकी जो यूनिकनेस है इसमें आपकी फैमिली भी आपकी मदद कर सकती है उसे डिस्कवर करने में ओके टेन ऑफ सोट्स का कार्ड यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक एंडिंग के बारे में भी बात करता है यू नो एट ऑफ सोट्स से टेन ऑफ सोट्स की जर्नी थोड़ा सा मैं आपको कहूँगी कि अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत ज़रूरी होगा आपकी बॉडी जो है कैलोरीज़ तो बर्न करेगी ही करेगी लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये दिखता है जयमाए एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है हमारा हमारी बॉडी के साथ हम अपनी बॉडी को किस रूप में देख रहे हैं उसको कैसे बिलीव सिस्टम परोस रहे हैं उसको कैसी बातें बोल रहे हैं कितने कंफर्टेबल हैं अपनी बॉडी के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड करना बहुत अच्छा होगा ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मदद करेगा क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन के बेस पर ही आप दरअसल अपनी बॉडी में जो अगर कोई प्रॉब्लम्स uh, बन रही हैं कोई कोई सिकनेस या फिर कोई डिसइज जन्म ले रही है तो उसे बड़ा बनने से पहले ही आप उसे जो है डिटेक्ट कर पाओगे उसकी हीलिंग कर पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी आपको पहले से ही संकेत दे देगी कि हाँ ये हो सकता है तो इस चीज़ को बदल लो इस खाने को मत खाओ इस इस ढंग से पानी मत पियो ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है ये चीज़ मत करो तो आपकी आपकी बॉडी के साथ अपना एक साइकिक कनेक्शन जोड़ सकते हो दिसंबर मंथ में और उसके लिए आप जब भी अकेले हैं आप नहा रहे हैं या आप अपने कपड़े बदल रहे हैं तो सिंपली यू नो अपनी बॉडी के साथ एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करना अपनी बॉडी को कहना कि हाँ यू नो आई सी यू एंड यू आर ब्यूटिफुल कम्युनिकेट करना कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं हम कम्युनिकेट करके तो अपनी बॉडी के साथ बातें करो ओके okay? इसके चलते ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होगा आई एम नॉट सेइंग कि ये एकदम एक से दिसंबर मंथ में ही हो जाएगा इट्स अ प्रोसेस आपको समय देना होगा इसे ओके okay? लेकिन यह ऐसी प्रैक्टिस करना आप दिसम्बर मंथ से शुरू कर सकते हैं और ये आपकी बहुत मदद करेगा 2024 में भी द तो स्टार कार्ड आपकी रीडिंग को बहुत चार चांद लगाता है तो यह फिर से एक इन्फ्लुएंस की बात जो मैंने पहले रीडिंग की शुरुआत में बोली थी आपको कि गुड इन्फ्लुएंस का आप डेफिनेटली काम करोगे और इर्द गिर्द के लोग आपको बोलेंगे भी कि हाँ यूर डूइंग गुड यूर डूइंग गुड जयम और यू you नो know, इसके चलते भी आपको कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है कोई स्पेशल काम करने को मिल सकता है जिसको लेकर आप थोड़ा सा खुद भी इतराएं कि हाँ मुझे ये काम करने को मिला you know? <laughs> तो ये ऐसी डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए लेकिन जब मैं इन दोनों कार्ड्स को साथ में देखती हूँ तो मुझे एक डिवाइन प्लान भी नज़र आता है आई थिंक डिसम्बर मंथ में एक डिवाइन प्लान है आपका कुछ लोगों के साथ काम करने का और ये आपके ओवरऑल लाइफ में जो माइंड बॉडी स्पिरिट है उसे उसे एक रीशेपिंग देने का इस रीशेप देने का काम करेगा ओके okay? उसे कह लीजिए या तो रीबिल्ड करने का या रीशेप देने का बेसिकली काम करेगा का। तो ये पॉसिबल है कि आपके किसी के साथ कम्युनिकेशन हो दिसंबर मंथ में ये बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है हाई प्रीस्टेस हाई प्रीस्ट की एनर्जी इन लोगों के साथ आपको कोई कोलाब करने का कोई पार्टनरशिप करने का मौका मिल सकता है और ये दरअसल डिवाइन प्लान है ये आपके पर्पज़ का भी कही कहीं ना कहीं हिस्सा है ओके okay? और इन लोगों के साथ काम करके आपका ये जो माइंड बॉडी स्पिरिट का जो स्ट्रक्चर है इसमें कह लीजिए एक एक रीबिल्ड वाली एनर्जी कि हम इसे दोबारा से नो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा भाव आ सकता है ये आपको बहुत करेगी ये ये एनर्जी ये की ओके okay? तो किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने का मौका मिले तो जरूर कीजिएगा यहां पर थ्री ऑफ पेंटिकल से आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन के बारे में है किसी चीज को लेकर आपकी फाउंडेशन मनी हो सकती है क्योंकि पेंटिकल्स मनी को भी दर्शाते हैं और कॉन्शियस थॉट्स में भी मनी ही बैठी हुई है यहाँ पर तो ये मनी करियर करियर पैथ मनी के साथ रिलेशनशिप अबंडेंस कॉन्शियसनेस इन सब चीजों के बारे में हो सकता है ये लेकिन ये ऐसी डिवाइन प्लान का हिस्सा है आपका ओके okay? मैं यहां पर आपके लिए कुछ ऑरिकल कार्ड्स को पुल करूंगी और फिर आपकी रीडिंग को हम एंड करेंगे जय मनाए सी आपके लिए क्या मैसेज आते हैं फाइनल मैसेजेस ड इनर स्पेस सेक्रल चाकरा टेंडरनेस एंड असेंशुअलिटी वाह फिर से ऑरेंज कलर ही है और यहाँ यहां सेकरा है मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस वापस लौटने वाला है दिसंबर मंथ में अगर आपने किसी चीज़ को लेकर अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था ना तो आपका कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा आपका सेकंड चक्रा भी हील होगा अगर आप और अगर आप महिला हैं और आपके अगर कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं मंथली साइकिल में अगर कोई आपके मून साइकिल में कोई इश्यू है तो आई थिंक इसमें भी एक बहुत बड़ी हीलिंग आप मैनिफेस्ट करोगे दिसंबर मंथ में ओके okay? मुझे ऐसा भी लगता है शाइन योर लाइट से आर्केंजल यूरियल का कार्ड कह रहा है थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड आई थिंक आप किन न चमकने के लिए किसी किस्म की रिकग्निशन के लिए रेडी हो एक होता है ना कि हम कुछ बन गए जैसे मान लो कि टेरो रीडर बन गए डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए जैसे आप किसी किसी पद को किसी स्टेरस को हासिल करके रेकग्नाइज होने के लिए रेडी हो ओके okay? तो यस आई थिंक एक एक बहुत बड़ी किक स्टार्ट है एक एक न्यू एक बिगिनिंग की एनर्जी है आपके लिए कि ये नहीं करना तो ये कर लो ये नहीं करना तो ये कर लो लेकिन कोई नई शुरुआत करो यू you नो know? तो यस आप चमकने के लिए यहां पर रेडी हो जय आए आपको अपनी ब्यूटी पर भी बहुत खास ध्यान देना चाहिए दिसंबर मंथ में आपकी ब्यूटी आपको वो कौन से कपड़े हैं जो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल होने का एहसास दिलाते हैं आम, कौन सा हेयर स्टाइल आपको पसंद है यह कौन सी चीज़ें यू नो कैरी करना आपको पसंद है कौन सा परफ्यूम आपको अच्छा लगता है कौन से रंग का मेकअप आपको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें सुनने में ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी लगती हैं कि इनका क्या ही असर होता होगा लेकिन सच मानिए हमारे ऊपर इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ का बहुत असर पड़ता है छोटी छोटी आदतों से ही इंसान का जीवन बनता है राइट तभी यहाँ पर आपके लिए ये मैसेजेस हैं ये सब चीज़ें आपको चमकने में किसी मुकाम तक पहुँचने में आपकी मदद करेंगे ओके ऑलराइट सेवन आए मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ आई थिंक आपकी रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय